हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बनाऊंगी आलू मूली के पत्ते की सूखी सब्जी। इसके लिए मैंने मूली के पत्ते और को धोकर अच्छी तरह से काट लिया और उनको आलू के साथ में 3 से 4 सीटी लगाकर बॉईल होने रख दिया। बॉईल होने के बाद में मैंने निकाल लिया है और उसके बाद में आलू छीलकर टुकड़े कर लिए और पत्तों का पानी हाँ दोनों हाथों से निचोड़ लिया। अब हम इसकी सूखी भुजिया बनाएंगे। तो इसके लिए 2 चम्मच तेल गरम करके मैंने हींग डाल दी। इसमें 1/2 स्पून जीरा ऐड कर दिया है और हरी मिर्च डाल दी है, आप जैसी खाएं वैसी डालिए। इसके बाद में 1/4 स्पून हल्दी पाउडर डाला है। अब मैं इसमें अपने फ्राई की छिले हुए आलू और ये मूली के पत्ते ऐड कर दूँगी। इनको मीडियम फ्लेम पे ही हमें फ्राई करना है। ये बहुत जल्दी से फ्राई नहीं होंगे, थोड़ा सा टाइम लेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा खाने में। आप तुरंत मिक्स करके खाएंगे तो स्वाद थोड़ा कम आएगा। इसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दीजिए और लाल मिर्ची पाउडर डाल दीजिए। इसके बाद आप इसमें धनिया पाउडर डालिए 1 स्पून तक। ये 4 लोगों की ये सब्जी है, जिसके अच्छी तरह से इसी तरह से चलाते हुए आप इसको भूनना है। आप इसको लगातार भूनेंगे तभी ये अच्छी बनेगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।